भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु भगवा रक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार छत्री द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पर आकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि हाथरस पीड़िता बहन मनीषा वाल्मीकि के दोषियों को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी दी जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं रोज घटित हो रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर शंका पैदा हो रही है। इस प्रकार की घटनाओं पर यदि रोक नहीं लगाई गई तो भगवा रक्षा वाहिनी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से समाज में गलत संदेश जा रहा है। जिला मुरादाबाद जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? ये जो हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसके संबंध में डीएम साहब से ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी को कि उस लड़की को न्याय दिया जाए और जितने भी जो मुख्य आरोपी जो उन्होंने पकड़े पकड़ के बैठाए, दमाद न बनाए और उनको तुरंत फांसी की सजा दे दी जाए, क्योंकि ऐसा अनैतिक कार्य होता चला आ रहा है। पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन ने उसका शब्द लिया, शब्द लेके उसके घर वालों को अरेस्ट करके और उसको जला दिया। कोई भी ऐसा कोई लिखित या कुछ भी ऐसा कोई हमारे संविधान में नहीं है कि किसी भी बच्चे को आप जला दो। तो किसी भी क्या मांग, क्या मांगे मांग? हमारी ये मांग है जो भी मुख्य आरोपी हैं, जो इस कांड में मुख्य आरोपी हैं, उनको पकड़कर फांसी की सजा दे दी जाए। और ऐसा कोई कानून की हम बार बार मांग करते हैं, उन्नाव वाला हत्याकांड और आज भी आप देख रहे हैं एक दो बेटियों के साथ आज भी एक हुआ है, दो लड़कियां नाबालिगा भी हैं, आज ही दो नाबालिग लड़कियों को भी उठाकर उनको गैंग रेप करा गया 14 दिन। ये घटनाएं चलती जा रही हैं, मगर प्रशासन अपनी जगह साफ बैठा है। कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर रहा कि अगर ये कार्य करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको दोषित किया जाएगा। उसको लिया, जेल में भर दिया और 20-20 साल 10-10 साल जैसे बहन के मुकदमे चलते गए तो वो चलते ही चले आ रहे हैं। कोई जब तक ठोस कानून नहीं बनेगा तो ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। आप किससे शिकायत करने आए इस संबंध? हम तो फिर अपने डीएम साहब से शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे और ये हमारा ज्ञापन ऐसी रख देंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी ने कल कुछ घोषणाएं की हैं योजनाओं की, उससे आप संतुष्ट नहीं? घोषणाएं बन नहीं है, सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचाएं किससे? पढ़ाने के लिए फीस देंगे? फीस मांगने के लिए आपने कर दिया ऐसा ऑर्डर, कहाँ से फीस नहीं जाएगी? आपने कहा कि साहब लॉकडाउन के टाइमिंग में फीस नहीं जाएगी, फीस गई ना। बेटी पढ़ाए कहाँ से? गरीब आदमी पढ़ाएगा कहाँ से? बिचारी अगर बच्ची अपने फीस देने जा भी रही है अपने घर से तो उसको किडनैप कर लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, फिर पुलिस प्रशासन उसको उस परिवार को बंदी बना दिया था, उसका देह संस्कार कर दिया जाता है। सबके लिए किसको कसूरवार मानते हैं आप? क्या मैं सबके लिए पूरे सिस्टम को कसूरवार मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरी बहन मेरी घर की बहन बेटी के साथ ये होता जाएगा, मैं डीएम साहब से मुख्यमंत्री जी से पैर पकड़ता रहूंगा, हाथ पैर पकड़ता रहूंगा कि साहब मेरी बेटी को इसको आज इसको वो दे दो, तो उन्होंने 25 लाख रुपए दे दिया, कल उसको दे दो, आज ये दे दिया, तो ऐसी घटना रुकेंगी कैसे?